अस्सलाम वालेकुम एडीपी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लास्टिड्स एंड व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा? ये मेम्ब्रेन बाउंड्रीड ऑर्गेनेल हैं जो कि पिगमेंट कंटेनिंग है। यहाँ ये चीज़ समझें, पिगमेंट कौन से हैं? पिगमेंट कंटेनिंग मतलब ये कलर देने वाले हैं प्लांट को। और दूसरा क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी ये सिर्फ यूकेरियोट्स में पाए जाएंगे। उसके बाद इसके हम अकरेंस के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ और सिर्फ किन में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, यानी ये एनिमल्स में नहीं होते। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टू के अकरेंस ऑफ द प्लास्टिड्स। उसके बाद बेटा हम इसको कैटेगराइज करते हैं इसको 3 टाइप्स में। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमो प्लास्ट एंड नंबर 3 इज़ द लिकोप्लास्ट। सबसे पहले हम इसमें जिसको डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट से तो फैमिलियर होंगे बहुत सारे बच्चे कि ये फोटोसिंथेटिक जो प्लांट है उनमें मौजूद होता है। और ये क्या करते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो क्या है? क्लोरोफिल है। और ये ग्रीन पिगमेंट है, और पिगमेंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो। बट अब पिगमेंट तो हम कहे जा रहे हैं कि कलर देता है, कलर देता है, लेकिन ये बनता कैसा है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन का ही एक कंपाउंड है, उसी से बना हुआ। और ये हेल्प किस में करता है? एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज़ करवाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। यानी सूरज की रोशनी को ये एब्जॉर्ब करने के बाद, या यू कैन सॉ दैट लाइट एनर्जी जो भी है वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में ताकि फूड बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो हैं वो रिजेंबल करते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एडिशनल से मुराद ये नहीं कि आपने याद नहीं करनी, बस इजाफी है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे इस टॉपिक से कोई एज इट इज़ रिलेट तो नहीं करती, लेकिन ये इससे थोड़ा इसका लिंक है इस टॉपिक के साथ, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफिल जो है बेटा वो रिजेंबल करता है हाइम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं वो हेमोग्लोबिन के हैं, जिनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो हेमोग्लोबिन का हेम ग्रुप है जो क्लोरोफिल से अपने स्ट्रक्चर में मैच करता है, उसमें सिर्फ एक और एक ही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, बाकी सारे का सारा सेम है। और वो मेन डिफरेंस क्या है कि सेंट्रल मॉलिक्यूल जो है, जो हमारा क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम है, जबकि हैम में जो है वो क्लोरो जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? आयरन आयन होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन इज़ द सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड आयरन इज़ द सेंट्रल एटम, यू कैन से दैट, सॉरी, एटम है किसका? हेमोग्लोबिन का, हाइम ग्रुप का। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद शेप एंड साइज़ की बात करते हैं। शेप वेरी करती है, साइज़ वेरी करता है किसका? हमारे क्लोरोप्लास्ट का। और इसका डायमीटर अमूमन कहाँ से कहाँ तक? 4 to 6 माइक्रोमीटर तक होता है अपने साइज़ के लिहाज से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसा दिखता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप बेटा ये हमें हेटरोजीनस स्ट्रक्चर दिखता है। हेटरोजीनस का मतलब हेटरोमीन मुख्तलिफ है। तो जैसे हमने कहा कि इसकी शेप वेरी करती है एंड साइज़ भी, तो हमें ऐसे हेटरोजीनस स्ट्रक्चर दिखाई देता है विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स नोन एज ग्रेना, छोटे छोटे दानेदार साख्त रखने वाला, जिसको हम ग्रेना कहते हैं। ये तो अभी हम स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे तो आप ग्रेना समझ जाएंगी क्या है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 इज़ द इनवेलप, नंबर 2 स्ट्रोमा एंड नंबर 3 थायलाकॉइड्स। अब हमें हम इन डिटेल से पढ़ते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, और साथ में हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ इनवेलप। इनवेलप बेटा कहते हैं लिफाफे को भी, बाहर से घेरी हुई जगह को। तो ये लिफाफा जो है वो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया कि डबल मेम्ब्रेन है, तो इसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन लिपटी हुई होती है। सेकंड हमारे पास आ गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डेंस फ्लूइड है जो कि सराउंड किया हुआ है थायलाकॉइड्स को। यू कैन से दैट इस के अंदर जो इनवेलप है या जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर सारा जो फ्लूड प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ठीक है, अभी थायलाकॉइड्स आपको समझ आ जाएंगी। स्ट्रोमा कवर्ड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ऑफ कोर्स ये फ्लूड पूरे के अंदर फैला हुआ है तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इसी ने कवर कर रखा है। और इस फ्लूड के अंदर चूँकि ये डेंस है तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। वो कौन से सॉल्यूट्स हैं? प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सम राइबोसोम्स एंड सम स्मॉल सर्कुलर डीएनए। यहाँ ये अच्छे से ध्यान से आप देख लें कि
ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी इसके खुद के राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए होता है, ऐसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि उसके अंदर भी अपने राइबोसोम्स एंड डीएनए है, यानी ये प्रोटीन को खुद सिंथिसाइज करा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्ट्रोमा के। स्ट्रोमा जो अभी हमने पढ़ा उसके फंक्शंस क्या हैं। स्ट्रोमा बेटा क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है टू मैन्युफैक्चर द शुगर, यानी वो रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी शुगर में, वो रिएक्शन यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर होता है। वो कौन सा रिएक्शन है जिसको हम लोग एक थोड़ा सा यूं करके सिंप्लीफाई करते हुए जब हम समराइज करके बोलते हैं तो वो थोड़ा याद होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब एंड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट मेक्स ग्लूकोज C6H12 एंड O6 प्लस O2 भी बनाता है जिसको रिलीज़ कर देता है प्लांट आउटसाइड। तो ये बेटा जो केमिकल रिएक्शन है हमने पढ़ा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फूड में और शुगर में। ग्लूकोज शुगर है ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, यू कैन से दैट फूड है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ हो रहा है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ये हो रहा है इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज इन दिस पार्ट, वो तो बेटा हमने डिस्कस कर ही लिया क्योंकि इसके अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए है तो सम प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होंगी यहाँ पर। उसके बाद हम थायलाकोइड्स की बात कर रहे हैं। थायलाकोइड्स क्या होते हैं? थायलाकोइड्स आर फ्लैट एंड डिस्क लाइक वेसिकल्स हैं विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। अभी हमें आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें आपको समझ आएगा कि बल्कि हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक बार ही डायग्राम पर चलते हैं ताकि फिर सारा वहाँ रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो फ्लैटन डिस्क लाइक वेसिकल्स हैं जो कि अरेंज हो गई हैं। अब ये फ्लैटन डिस्क लाइक वेसिकल्स हमने अभी पढ़ा ग्रैनम और इंटरग्रैनम में अरेंज होती हैं। तो ग्रैनम क्या है? ग्रैनम इज अ पाइल ऑफ थायलाकोइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक क्वींस, यानी पाइल ढेर को कहते हैं। तो थायलाकोइड चूंकि फ्लैटन डिस्क थी तो वो फ्लैटन डिस्क का एक ढेर है। ठीक हो गया, और जो स्टैक हुआ हुआ एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है ऑन ईच अदर लाइक क्वींस, जैसे कि सिक्कों को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। अच्छा जी, ऑन एवरेज वो डिस्कस कर रहा है 50 और मोर थायलाकोइड्स आर पाइल्ड टू फॉर्म ग्रेनम। अगर 50 या 50 से ज़्यादा थायलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की सूरत में मौजूद होंगी, पाइल यानी एक ढेर बना लेंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? वन ग्रेनम कहेंगे। एंड द ऑन द लेयर ऑफ थायलाकोइड क्या मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल मोलेक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो हमने कहा था ऑर्गेनिक पिगमेंट कंटेन मोलेक्यूल्स हैं, ग्रीन पिगमेंट मोलेक्यूल्स हैं। तो वो क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत ध्यान से पढ़ें, थायलाकोइड की मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। और इसी वजह से ग्रेनम जो है वो हमें दिखने में कैसा लगता है? ग्रीन लगता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरग्रेनम। चूंकि ग्रेनम पढ़ लिया तो फिर इंटरग्रेनम के बारे में बात करेंगे। इंटरग्रेनम क्या है? इंटरग्रेनम बेटा इंटर दरमियान और ग्रेनम मीन ग्रेना, यानी ग्रेनम के दरमियान की जो जगह है उसको क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम कहते हैं। ईच ग्रेनम इज़ इंटरकनेक्टेड विद अदर्स बाय द नॉन ग्रीन पार्ट, और ये नॉन ग्रीन होता है यानी यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम कहते हैं। अब फंक्शन से पहले बेटा हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, और मैं खुद भी आपको डायग्राम बना के ज़रा दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले हमने खुद कैसे बनानी है। पिक्चर में हमें बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट से दिखती है, लेकिन बेटा हमने सिर्फ स्केच आउट ही करना होता है डायग्राम को ताकि हम उसके पार्ट्स को लेबल कर सकें और बता सकें कैसे हैं, तो इतनी डिटेल से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। खैर, मैं अभी आपको समझा दूँगी। तो अब पहले हम डायग्राम पे चलते हैं कि डायग्राम है कैसी। ठीक है, ये थोड़ा सा यूं कर ले, ये ठीक हो गया। अभी आप देखें कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाया गया है। हमें दिखाया गया है कि ये बेटा हमारी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ऊपर देखें हमें दिखा दी गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये आप साथ साथ चेक करती जाएं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देन हमारे पास ये थायलाकोइड्स शो किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बेटा इंटरग्रेनम। देखें, दो थायलाकोइड्स के दरमियान की लाइन है, और ये ग्रेनम। ग्रेनम यानी पाइल ऑफ द थायलाकोइड्स। ठीक है, वो ग्रेनम है, और दरमियान का जो फ्लूइड है दैट इज स्ट्रोमा। अब यहाँ अगर आप सारे के सारे लेबलिंग को गौर से देखें कि कौन सी लाइन कहाँ जाके दिखाई जा रही है, तो आपको समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर कैसा है। अब ज़रा एक बार मैं भी आपको बिल्ड करके दिखा दूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि आपको बनाना भी आ जाए और
मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो कैसे हम बिल्ड करेंगे, यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन जो है वो शो करनी है कि वो कैसी है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा मैं दोबारा बनाती हूँ। फाइन, तो ये आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद हमारी ये आपने ज़रा शो कर दी, इसी के साथ साथ कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन शो कर दी। ठीक हो गया, अब इस इनर मेम्ब्रेन में मैंने तो बहुत कम जगह छोड़ी है, दोबारा बना लें। यहाँ ज़रा बिल्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी मुझे, लेकिन चले मैं ट्राई करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ यूँ ज़रा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये सिर्फ बेटा ये कुछ यूँ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो है वो फ़र्क करना आ जाए। अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लेती तो ये बेहतर था। ये देखें, फाइन, तो ये सिर्फ ये दिखाना कि दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। अब उसके अंदर आपने बनाने हैं ग्रैनम। तो बेटा ये आपने कुछ यूँ, जैसे कोइंस का ढेर होता है, ये एक पूरा का पूरा एक स्टैक हो गया, एक पायल ढेर हो गया, जिसमें हमें यूँ लग रहा है कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा पड़ा हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड एज, मैं कुछ और भी बना दूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा ग्रैनम है। फाइन, ये मैं कुछ यूँ लगा दूँ, ये हमारे पास क्या हो गए, ग्रैनम हो गए। अब हमने डिस्कस कर रहे हैं कि इनके दरमियान में होते हैं इंटरग्रैनम। तो मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये तो यहाँ से ये इधर को जा रहा है, तो ये इंटरग्रैनम हो गया। इसी तरह से ये इंटरग्रैनम हो गया, दो ग्रैनम्स के दरमियान में। इस तरह से ये इंटरग्रैनम हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, इंटरग्रैनम हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपके लिए कि व्हाट इज़ इंटरग्रैनम। ये हमारे पास क्या है, इंटरग्रैनम है, दो ग्रैना के दरमियान में। और ये नॉन ग्रीन होगा, और ऑफ कोर्स पहले वाला क्या था, ग्रीन था। ऐसे बनाना भी ग्रीन पेन से चाहिए था, है ना। अच्छा खैर, उसके बाद बेटा हमने डिस्कस क्या किया, हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, ग्रैनम हो गया, इंटरग्रैनम हो गया, और ऑफ कोर्स जब मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये कंप्लीट एज अ होल हम इसका जिक्र करेंगे, तो ये ग्रैनम है। अगर इनमें से किसी एक का नाम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा थायलाकोइड। वो क्या होगा, लिखना ज़रा मुश्किल है, तो मैं ज़रा यूँ दिखा देती हूँ आपको कि सिर्फ एक सिंगल की, मैं इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ कि अगर किसी एक सिंगल फ्लैटन डिस्क की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, थायलाकोइड। और फ्लैटन डिस्क के इस ढेर का अगर हम पूरे के पूरे पायल का जिक्र करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रैनम। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह गया कि ये सारे का सारा जो है वो फिल होता है विद द फ्लूइड। ठीक है, ये सारे के सारे में क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये सारी की सारी स्पेस जो अंदर बनी हुई है, जो जगह बनी हुई है बिटवीन द ग्रैनम इंटर ग्रैनम, वो किससे भरी हुई है, एक फ्लूइड से भरी हुई है, और उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के बारे में अभी हमने जिक्र किया था, ये वो स्पेस है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है, किस में, शुगर्स में। ठीक हो गया, देखें बेटा स्ट्रक्चर बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ स्केच आउट करना है इसको और ये बिल्ड हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं वापस किस पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ फंक्शंस। अब आ गए तो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस क्या हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रैना जो हैं वो साइट्स हैं वेयर सनलाइट एनर्जी इज़ ट्रैप्ड एंड वेयर एटीपी इज़ फॉर्म्ड। सूरज की एनर्जी को हमने कहा था ट्रैप करता है ये, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में, ताकि उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा सके फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए। तो वो कौन सी जगह पे होती है, ग्रैना की साइड पे। आप बेटा बस इतना याद रखो कि सूरज की रोशनी को कैप्चर काम करने का काम किसका, क्लोरोफिल का है, और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होते हैं, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकोइड। तो थायलाकोइड्स के ढेर को हम चूँकि ग्रैना कहते हैं, तो ग्रैना वो जगह हुई जहाँ पर सूरज की एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है और उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, एटीपी को। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बेटा बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट में हम सूरज की रोशनी को कैप्चर करके एनर्जी बनाते हैं, और सेकंड पार्ट में उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप कहाँ पे होगा, ऑन द
मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड क्लोरोफिल करेगा, जो कि एनर्जी को ट्रैप करेगा और एटीपी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद जब वो एनर्जी बन जाएगी तो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रोमा में, दूसरा स्टेप कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके एडिंग में पढ़ें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, हमने यहाँ भी पढ़े ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो बेटा ये याद रखें, जिसका खुद का डीएनए होता है, क्योंकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहा था उसमें भी डीएनए था, और इस और राइबोसोम से इसी तरह इसमें भी इसके खुद के डीएनए राइबोसोम्स हैं। तो जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है वो ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वो खुद की कॉपी खुद ही तैयार करने के काबुल होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वन को, दैट इज क्लोरोप्लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्लास्टिड की सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट, हम वो डिस्कस करेंगे। क्रोमोप्लास्ट क्या है, दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जितने दूसरे रंग आपको किसी भी पौधे पे दिखाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस पिगमेंट की वजह से होंगे या किस ऑर्गेनल की वजह से होंगे, पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे कि आपको फूलों की पत्तियाँ लाल, गुलाबी, या उर्दू में इंग्लिश में बोलते हैं रेड, पिंक, ऑरेंज एंड ब्लू, डिफरेंट कलर्स की दिखाई देती है ना, तो वो सारी की सारी किसकी वजह से, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। तो दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की पत्तियों में ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये राइपन्ड फ्रूट में मौजूद होते हैं, जैसे कि देखो बेटा ऑरेंज इसका कलर कैसा दिखता है, इसके अलावा मैंगोज हैं वो येलो दिखते हैं। तो ये सारे के सारे कलर जो राइपन्ड फ्रूट पके हुए फलों में हमें दिखाई देते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। उसके बाद बेटा हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पोलिनेशन है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन साइकिल, जिस वक्त के एक प्लांट से दूसरा नया प्लांट बनने का प्रोसेस चल रहा होता है, उस दौरान क्या है कि जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, वो जो हैं वो शिफ्ट होते हैं टू द फीमेल ओव्यूल की तरफ। तो वो जो शिफ्टिंग है कि मेल के जो सेल हैं वो एक फीमेल के सेल्स के पास जा सकें, सेक्स सेल के पास, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल या ओवम कहते हैं फीमेल वाले को, तो वो वहाँ भेजने का जो एक प्रोसीजर है उसको पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट की तो बेटा टांगे वांगे तो है नहीं, हम कहें कि खुद ब खुद एक से जगह से दूसरी जगह चले गए, तो वो जो डिस्पर्सल है या वो पोलिनेशन जो है वो किसकी मदद से होती है, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स हैं उसके, जैसे एयर भी है। बहरहाल तो मेनली वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द हम क्या कहते हैं, हनी बी, और यू कैन से दैट तमाम बर्ड्स जो हैं, तो चिड़िया या हशरात वगैरह, उनकी मदद से होती है। तो उनकी वजह से कैसे होगी, ऑफ कोर्स यू नो दैट के जो ये क्यों आएंगे फूलों की तरफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेक्टर। ये जो फ्लावर हैं वहाँ वो नेक्टर रिलीज़ करते हैं, जूस रिलीज़ करते हैं, उनकी खुशबू होती है, उस खुशबू को और उस नेक्टर के लिए इसके ऊपर आएंगे तमाम के तमाम हशरात। और वो कैसे आया और इसने हेल्प कैसे किया, क्योंकि ये कलर इम्पार्ट कर रहा है उसको, तो मुख्तलिफ़ जो खिले और शोख रंगों के फूल होंगे दूर से दिखाई दे जाएंगे वहाँ से उड़ते हुए हशरात को, और वो सारे के सारे जो हैं वहाँ लैंड करेंगे उन फूलों के ऊपर उनके इतने खुशनुमा रंगों को देखते हुए, ताकि उन्हें पता चल जाएगा कि ये फूल हैं और इतने खुशनुमा रंगों वाले और यहाँ से हमें नेक्टर मिलेगा। तो जब वो वहाँ आके बैठते हैं तो उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिमट जाते हैं, फिर एक फूल से दूसरे फूल तक, दूसरे से तीसरे फूल तक जैसे वो उठते पहुँचते हैं, जब वो दूसरे फूल पर जाते हैं तो उनकी बॉडी से गिर जाते हैं, और इस तरह से वो एक फूल से दूसरे फूल पर शिफ्ट हो जाते हैं, या पोलन ग्रेन जो हैं वो मेल जो भी पार्ट है फ्लावर का वहाँ से फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये पोलिनेशन है। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने हेल्प किया, किसने, इन कलर्स ने जो इसने इम्पॉर्ट किए थे। और डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी ऑफ कोर्स वही हेल्प हो गया कि हम डिफरेंट खुशनुमा फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हम खाते हैं, उनके अंदर से भी सीड जो है वो बिखर जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। उनका कलर जो है लिकोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट दे आर कलरलेस होते हैं, दे आर ट्राइंगुलर, ट्यूबुलर और सम अदर शेप के होंगे। कलरलेस है यानी ये कोई कलर नहीं दे रहे। तो इनका मेन फेजर फंक्शन क्या है कि ये अंडरग्राउंड पार्ट्स पे ऑफ द प्लांट मौजूद होते हैं, और ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड पार्ट्स पे मौजूद है तो इसका फंक्शन क्या हो गया, ये स्टोर करते हैं फूड को। ठीक हो गया, ये इसका फंक्शन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर था, एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो था ही, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पढ़ते हुए महसूस हो गया होगा हम, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारा कुछ, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से तवज्जो से याद करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।